ओपन योर पेज नंबर 128। हम लोगों ने पहले देखा मनी को कन्वर्ट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। आज हम लोग देखेंगे मनी को हम लोगों ने डिवाइड कैसे करने हैं, मनी की डिवीजन कैसे करनी है। डिवाइड मनी द सेम वे एज वी डिवाइड नंबर्स। मनी को डिवाइड करना भी ऐसे ही है जैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। रिमेंबर टू ऐड द पॉइंट टू प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू शो रुपीस एंड पैसा इन द आंसर। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने राइट से टू नंबर्स के बाद एक पॉइंट ऐड करना है। हम देखेंगे आप लोगों के पास एक डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या है हमारे पास 8 रुपीज़ एंड 45 पैसा। अब हम लोगों ने इसको 7 पे डिवाइड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में अमाउंट आ जाएगी। अब इस सिंपल अमाउंट को हमारे लिए डिवाइड करना इजी है। हम लोग क्या करना है, 7 × 7 फिर 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 8 में से 7 हम लोगों ने माइनस किए 1, 7 × 14 ये हमारे पास 14 आ गया। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ऊपर अभी हमारे पास 5 लेफ्ट है, ये 5 हम लोग नीचे ले आएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 7 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो अब ये हमारे पास 5 क्या रह गया, रिमाइंडर। ठीक है, अब हम लोगों ने एक 0 यहाँ पे लगा दिया कि हम लोग कोई भी डिवीजन नहीं कर रहे हैं। एक 0 हमने यहाँ लगा दिया और एक 0 हम यहाँ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब अमाउंट नहीं है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकें। ठीक है, रिमाइंडर में हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब जो रिमाइंडर 5 हमारे पास है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ पैसा, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ रुपीज़। इस वाले 5 को जो रिमाइंडर में आपके पास कोई भी आंसर बच गया है, रह गया है रिमाइंडर में, वो हम लोग उसको किस में लिखेंगे, पैसा में। और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे, रुपीज़ में। ठीक है, रिमाइंडर को हम लोगों ने किस तरह लिखना है, पैसा की फॉर्म में लिख देना है। अब हम लोग जब यहाँ पर आए, अब हम लोगों ने इसको रुपी की फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी एंड 25 पैसा, ये 20 है और ये 5, तो 1.20 रुपी एंड 5 पैसा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मूव व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड बाय 10। अब जब हम लोगों ने 10 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास डिवीजन किस तरह की होगी, सिंपली आप लोगों ने पहले क्या करना है, जो पॉइंट होगा उसको हटा देना है, रिमूव कर देना है आप लोगों ने। उसी तरह से सिंपली आप लोगों ने डिवाइड करना है। रिमाइंडर इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 0। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या था, 5, इसीलिए हम लोगों ने 5 पैसा लिख दिया। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0, तो हम लोग 0 को एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देंगे कि पैसा हमारे पास कोई भी नहीं है, 3.6 हमारे पास क्या है, रुपी। 10 को हम लोगों ने 36 पे डिवाइड करना है तो 10 × 3 = 30, हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया, 60, तो अब हम लोग 0 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.60। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेकिंग बिल्स। अब ये हमारे पास न्यू टॉपिक है। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बिल किस तरह से बनता है। व्हेन वी गो शॉपिंग और गो आउट फॉर अ मील इन आर रेस्टोरेंट वी पे द बिल। जब भी हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या पे करते हैं, बिल। और बिल की क्या फॉर्म है, ये फॉर्म बनी हुई है बिल की। इसमें आप लोगों ने जो भी क्वांटिटी, मतलब आप लोगों ने वो चीज़ कितनी खाई है, वो डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ खाई है, वो कॉस्ट ऑफ वन,
आप लोगों ने एक चीज़ खाई है उसकी कितनी प्राइस है, अगर आप उसी चीज़ को टू टाइम्स खाएंगे उसकी क्या प्राइस आएगी, वो सारी राइट लिखी होंगी। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो होगी आपके पास वो राइट की होगी। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टूथपेस्ट, हम लोगों ने वन टूथपेस्ट परचेज़ की तो उसकी अमाउंट एक में अगर हम लोग देखें तो क्या थी 46.50। अगर हम लोग इसको 46.50 को मल्टीप्लाई करें वन के साथ तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 46.50। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास चॉकलेट बार की कितनी है टू, और एक चॉकलेट बार कितने की है 14 रुपीस की। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 14 हम लोग करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी 28 रुपीस। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 5 क्वांटिटीज हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है 2 रुपीस। बबल गम की कितनी रुपीस की कॉस्ट है, 2 रुपीस की। तो अब हम लोग 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी टोटल कॉस्ट लिखेंगे 10 रुपीस। ठीक है, अब इन सब टोटल कॉस्ट का एक हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे, यानी जो जो हम लोगों ने चीज़ ली है उनकी जो टोटल कॉस्ट है उन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, ग्रैंड टोटल 84.50। ठीक है, इस तरह से हमारा बिल बनता है। अ बिल इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ मच मनी वी मस्ट पे फॉर थिंग वी बाय और फॉर वर्क डन फॉर अस। अब बिल क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसमें लिखा होता है कि आप लोगों ने इतनी चीज़ें बाय की हैं या इतना आप लोगों ने काम करवाया है तो इसका आप लोग इतना बिल पे करेंगे। हेयर इज मिस्टर अहमद बिल फॉर वन डे शॉपिंग एट हर लोकल सुपर मार्केट। अब ये मिस्टर अहमद का बिल है, इसने कहाँ परचेज की है, एक सुपर मार्केट में परचेज की है। अब आप लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई भी करना है सबसे पहला स्टेप, उसके बाद आप लोगों ने उसकी टोटल कॉस्ट लिखनी है और एंड पे ग्रैंड टोटल दे देना है।